एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। गाइस, अब तक के लास्ट लेक्चर्स तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा या फिर रिसेंटली एक या दो लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है? तो अभी आप क्वेश्चन मत पढ़िए, मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दूंगी। मैं अभी इससे पहले कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप लोगों से, और कि क्या आप लोगों को पता है कि हीट ट्रांसफ़र का डेली लाइफ में या फिर एप्लीकेशन और किस किस फील्ड में है? प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा मत बोलिएगा कि हम हीट ट्रांसफ़र अपन पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के पढ़ते हैं, और या जो भी स्ट्रीम इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सब के लिए वो एप्लीकेशन वही इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ही है। मतलब मैं पूछूँ, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में जो मतलब जैसे कि हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स हैं या फिर हीट ट्रांसफ़र जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आप लोगों के एप्लीकेशंस देखने को मिल सकता है? तो आज हम लोग जो दो चार क्वेश्चंस आज करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, आई होप सो, ठीक है? बाकी तो अब बाद में ही देखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेडिकल साइंस फील्ड है, मेडिकल साइंस में भी हीट ट्रांसफ़र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अपन देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में कैसे करते हैं और वो कहाँ पर होता है। अगर कोई डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम होता है, जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखकर ही हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली अगर किसी को नहीं पता है कि किसी पर्सन की डेथ किस टाइम हुई है, ठीक है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही ये बताती है कि उस पर्सन की डेथ एग्जैक्टली किस टाइम हुई थी और वो क्या देखकर, उस डेड बॉडी की जो थर्मल कंडीशन है उसे देखकर ये बताती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कि उसकी डेथ किस टाइम हुई थी। तो इससे रिलेटेड ही आज हम एक क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन एक ऐसा है, आपको तो वैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाकी मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्सन है जो अपने ही घर के रूम में वो डेड पाया गया, ठीक है, और वो किसी जब डेड देखा गया, एक कोई पर्सन था, ठीक है, ओके। अब अगर ये हंसता खेलता इंसान एक दिन पहले जो बिल्कुल सही था, अगर नेक्स्ट डे वो अपने ही घर के रूम में मरा हुआ मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन होना तो ऑब्वियस है। तो क्या हुआ कि क्वेश्चन ये बोलता है कि ये घर का रूम है, इस रूम की थर्मल कंडीशन क्या है, रूम का जो इस टाइम रूम टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र कॉफिशियंट की वैल्यू है एम्बियंट पे, हीट ट्रांसफ़र कॉफिशियंट की वैल्यू एच की वैल्यू है 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। अब रहा कि यहाँ पर इस कमरे में एक इंसान मरा हुआ पाया जाता है, अब ये बॉडी थी पहले, ठीक है, अब अगर देखें कि इस बॉडी को, लेकिन क्वेश्चन में कैसे कि मतलब कि हम लोगों ने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए या डेरिवेशन किए, तो सबसे पहले हम लोगों ने किस पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि क्या है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है सिस्टम की, मतलब कोई भी बॉडी है तो वो एक फिक्स्ड एरिया ज्योमेट्री है या फिर वेरिएबल एरिया ज्योमेट्री है। तो अब कोई भी मतलब अगर पर्सन है तो उसकी ये ज्योमेट्री तो अब तक हम लोगों ने ऐसी ज्योमेट्री तो कोई नहीं पढ़ी है, ठीक है, ये ऑब्वियसली फिक्स्ड एरिया ज्योमेट्री तो नहीं है, बट कैलकुलेशन जो है वो सिंपल करने के लिए इन्होंने इससे एक मॉडलिंग कर दी बॉडी की। बॉडी की मॉडलिंग किस तरह से कर दी, इसे बॉडी को एक सिलेंड्रिकल बॉडी मान लिया, ठीक है, ऐसा सिलेंडर जिसका डायामीटर है 30 सेंटीमीटर एंड
1.7 मीटर लॉन्ग, 1.7 मीटर लॉन्ग, मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि ये जो इंसान है इसकी हाइट कुछ 1.7 मीटर रही होगी, ठीक है, और बाकी इसे एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी मान ली गई। तो अब क्या हुआ कि ये इंसान, ये रही डेड बॉडी, ओके। अब डेड बॉडी कभी 3 या 4 बजे शाम को देखी गई होगी रूम पे, ठीक है, हो सकता है कि वो कुछ भी रहा होगा, अकेले रहता हो इंसान, या फिर उस टाइम तो अकेले ही होगा क्योंकि जब किसी को नहीं पता है कि उसकी डेथ किस टाइम हुई। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, किसी की वजह, किसी भी रीज़न से उसकी डेथ हुई हो, जब लोगों ने उसे देखा हो सकता है 3-4 बजे देखा होगा। फिर ठीक है, क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हुई तो 5 PM पे, at 5 PM जब इन्वेस्टिगेशन टीम आई, ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, लेट से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने ऑब्जर्व किया कि 5 बजे उस डेड बॉडी का जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, उस टाइम 25 डिग्री सेल्सियस था और उस रूम का जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। अब ये हुआ कि बाद में पता करना है, ये क्वेश्चन बोलता है कि आप पता करिए कि पर्सन की जो डेथ है वो एग्जैक्टली कब हुई होगी। अब आज शाम को अगर उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसका टेम्परेचर कुछ 25 डिग्री देखा गया, तो जब वो जिंदा रहा होगा कि उसके मरने से पहले नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री तो नहीं रहता है, ठीक है, 30 से भी ऊपर रहता है। तो अब ये हमें पता करना है कि इसकी डेथ कब हुई। तो इसके लिए क्या है, हम लोगों ने कुछ टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एंड एनी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे जो टेम्परेचर है उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। अब उस फॉर्मूला, अगर अपन वो फॉर्मूला लेट से अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था लॉग टी टी माइनस टी इन्फेनाइट ओवर टी आई माइनस टी इन्फाइनाइट माइनस एच ए ओवर एम सी पी इंटू टी, क्योंकि टाइम के लिए यही तो सिर्फ फॉर्मूला बताता है जिसमें टाइम का टर्म आता है, और यहाँ पर कुछ और भी उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ टाइम पूछा है, ना कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ना कुछ और पूछा है। तो हमें क्या करना है, ये तो कंफर्म हो गया कि फॉर्मूला यही कोई लगेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला वही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। टी टी माइनस सी, अगर लॉग दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा टर्म एंड देन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच ए ओवर एम सी पी इंटू टी, ठीक। तो अब अगर ऐसा है तो अपन को टी टी, तो इसे अगर बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब कि 5 बजे शाम को जब टेम्परेचर मेजर किया गया, यानी कि ये वैल्यू है टी टी की, टी टी की वैल्यू हमें पता चल गई, टी आई की वैल्यू अभी नहीं पता है, ठीक है। अब अगर बात करें टी इन्फाइनाइट की, तो टी इन्फाइनाइट क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर होता है, और फाइनल टेम्परेचर वही होता है जो बाहर की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर इस डेड बॉडी के लिए एटमॉस्फेयर क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर क्या 20 डिग्री जो हो गया वो टी इन्फाइनाइट हो गया। यहाँ हमें टी, तीन जो वेरिएबल है, तीन में से दो वेरिएबल्स का पता चल चुका, टी आई बचा, टी आई का भी अभी देखते हैं क्योंकि और भी बहुत सारी वैल्यूज गिवेन हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एच ए ओवर एम सी पी के लिए अगर मैं इसे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवेन है। अब इन्होंने क्या किया, मॉडलिंग कर दी, इसे एक सिलेंड्रिकल शेप में बता दिया बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को सिलेंड्रिकल शेप से कंपैरिजन कर दी। तो अब ये हमें पता चल गया कि और बाकी उस सिलेंड्रिकल शेप की जो बॉडी है उसकी प्रॉपर्टीज गिवेन है। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, प्रॉपर्टीज ये कभी किसी मेटल या जो हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं उसमें ये प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं,
ठीक है, एट किसी गिवन टेम्परेचर पर जो फ्लूइड है उसकी तो होती है, ठीक है। और अगर सिर्फ बॉडी की बात करें तो वो उसके जो मटेरियल है उसकी हो गई, ठीक। अब इन्होंने क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है, आप गौर से पढ़िए, जो नीचे नीचे डेटा इन्होंने दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 72% बाई वेट वाटर से मिलकर बनी होती है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, इन्होंने बोला 72% वाटर है, बाकी रेस्ट कितना कितना बचेगा, 28% जो है वो होंगे क्या, वो प्लाज्मिक फ्लूइड होते हैं। प्लाज्मिक फ्लूइड लाइक ब्लड हो गया एंड प्लेटलेट्स काउंट्स हो गए, बोन मैरोज, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्लूइड जिन्हें नाम प्लाज्मिक फ्लूइड दे दिया गया, ठीक। अब हर एक प्लाज्मिक फ्लूइड की हमें प्रॉपर्टीज तो पता नहीं होती हैं, तो क्या किया इन्होंने, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, वाटर का है, तो इन्होंने मान लिया कि सिर्फ वाटर का लिया, वाटर की बेसिस पे इन्होंने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ दे दी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो गिवन है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होंगी, तो इन्होंने पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है, अब डेंसिटी पे होती है अगर किसी मटेरियल की, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है, तो इन्होंने टेम्परेचर माना, एक बोला है कि मीन टेम्परेचर लिया है। मीन टेम्परेचर क्या, 37+25 का मीन ले लिया, इसका एवरेज यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस पे, 31 डिग्री सेल्सियस पे ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करती हूँ, इस तरह से लिखूँ, लॉग टी माइनस टी इनफाइनाइट एंड टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, और यहाँ पर मैं लिख दूँ माइनस एच, सिलेंडर के लिए अगर मैं लिखूँ तो 2πRL हो जाएगा एरिया, एंड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा पाए आर स्क्वायर एल, एंड दिस वन विल बी एज एम एंड सी पी एंड हियर विल बी एज टी, ठीक है। तो बात आती है कि यहाँ पर वॉट अबाउट टी आई क्या होगा, क्या 31 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं 31 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों से सिर्फ इसलिए गलत होता है कि वो इनिशियल टेम्परेचर जो टी आई की वैल्यू है वो 31 लेकर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 31 ये आप देखिए कि मीन टेम्परेचर किस किस का देख रहे हैं, 25 यहाँ पर क्या है, जब डेड बॉडी मिली मतलब तब उसका टेम्परेचर, जब इंसान मर चुका है तब, और जब इंसान जिंदा था यानी कि एक लिविंग मतलब कि एक जिंदा इंसान की बॉडी का टेम्परेचर उन्होंने पहले देखा होगा कि उस इंसान का 37 नॉर्मल कंपैरिजन की होगी, और पहले 37 था मरने के पहले, मरने के बाद 5 बजे उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस देखा, तो मरने के पहले और मरने के बाद का जो एवरेज टेम्परेचर लिया 31 डिग्री सेल्सियस, और 31 डिग्री सेल्सियस पे ही प्रॉपर्टीज़ दे दी। ये एक सिंप्लीफाई क्या है, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड करने के लिए, इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर डिपेंड करता है, वहाँ पर और थोड़े से टीडियस कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन हाँ जो बेस होता है वो वही हीट ट्रांसफर का ही बेस होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर 100% देखा जाए वाटर का तो क्या होती है, 996 तो नहीं होती है डेंसिटी, 1000 होती है केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली वाटर नहीं है उसे, मतलब मान लिया कि 72% वाटर है, तो काफ़ी हद तक अप्रॉक्सीमेटेड वाटर की ही प्रॉपर्टीज हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज अपन सारी हमें गिवन है, सिर्फ टी की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे।
यहाँ से जब टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी ने सेकंड। अब ये सेकंड की सेकंड वैल्यू को अपन आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आया 13.26 आवर्स। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आंसर यही हुआ, 13.26 आवर्स ही आंसर हुआ। इसका मतलब ये क्या कहता है, अब ये बताता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यही तो बताता है। ठीक है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या था और पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे टेम्परेचर कितना था, वहां तक आने में कितना टाइम लगा। और अगर मैं ये बोलूं कि 37 से 20 डिग्री तक आने में कितना टाइम लगेगा तो वो टी इनफाइनाइट टाइम होगा, और वो टी इनफाइनाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम मतलब पूरी तरह से किसी बॉडी को ठंडा होने में। ठीक है, तो यहाँ पर अब आंसर क्या होगा, ये पता चल गया कि बॉडी का टेम्परेचर 37 से 25 डिग्री तक आने में लगा 13.26 आवर्स। तो अब क्या कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर्सन की डेथ का टाइम क्या रहा होगा, क्या है, इन्होंने 5 बजे देखा 5 PM पे। ठीक, तो अब क्या है, PM है तो इसके 13 घंटे पीछे जाएं अगर अपन, तो अगर 12 घंटे पीछे जाते हैं तो 5 AM हो जाएगा, यानी कि सुबह 5 बजे का टाइम, यानी कि 13 घंटा है, और 1 घंटा पीछे जाएं तो हो जाएगा क्या 4 AM एंड 26 मिनट्स और पीछे जाएं, तो यानी कि हो गया कि 3:34 मतलब 3:34 AM पे उस पर्सन की डेथ हुई होगी। पर्सन की डेथ का टाइम क्या है, डेथ टाइम। थर्टीन पॉइंट टू सिक्स आवर बिफोर 5 PM, तो अपन बोल सकते हैं डेथ टाइम इज इक्वल टू 3:34 पे सुबह, कौन से सुबह के 3:34 पे उस पर्सन की डेथ हुई होगी। ठीक है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने अभी पहली बात है समझाने के लिए एक एक लाइन मैंने समझाई है, इसलिए टाइम लगा, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर गलती होने के चांसेस हैं तो कहाँ पर हैं, ये टी आई की वैल्यू कभी कभी लोग मतलब कंफ्यूज होके जल्दबाजी में 31 डिग्री रख देते हैं और वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है, और या तो फिर बोल देते हैं कि अगर टी की वैल्यू 13.26 आवर्स आई तो, या फिर उसे आवर्स में नहीं कैलकुलेट किया, यहाँ के बाद अब उन्हें नहीं समझ आता कि क्या किया जाए, टाइम बताना है तो क्या किया जाए। तो ऑब्वियस ये बात, टाइम अगर बताना है तो हम एक राउंड फिगर आवर्स में ही बताते हैं टाइम, तो सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट किया और हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 37 डिग्री से 25 डिग्री तक पहुँचने में इतना टाइम लगा। तो हमें क्या करना है, डेथ टाइम बताने के लिए 13.26 आवर्स पीछे जाना है। ठीक है, तो वो वही होगा पर्सन का एग्जैक्टली डेथ टाइम जो रहा होगा। ठीक है, सो गाइज इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा।